मेरे सामने उसने दम तो कसम इस तरह मेरा हाथ पकड़ा, फिर हाथों को पकड़ के वो चलना सीखा, खाना सीखा, खेलना सीखा, अपनी आखिरी सांसें भी उसके ही हाथों में। मेरी तो अब खुदा से यही दुआ है कि अगर उसने हमारा इतना बड़ा इम्तिहान लिया है तो उसे बर्दाश्त करने की ताकत भी दे। तो रूमी को देखा तो वो ठीक है, खाना खाया उसने। भाभी 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 को बुखार है, लेकिन आप फिक्र ना करें, उनके साथ चांद से भाभी और उनकी अम्मी है, वो हल्का भी ध्यान रख रही है। लेकिन बाबा आपने हमारा ध्यान रखना, बाबा आपने हमारा ध्यान रखना, ना भाई नहीं है बाबी। सर की मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। रहमत जरा सारे पेपर्स उठा के कमरे में ले आना। खैरियत? आज तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए वापस? जी वो कब्रिस्तान गया था, वहाँ से डायरेक्टली घर ही आ गया। क्या हुआ, किसकी डेथ हो गई? सैरिश नहीं है, उसके भाई की। बहुत यंग था बेचारा, छोटा सा बच्चा भी उसका। ओह गॉड, लेकिन ये सब कैसे हुआ? एक्सीडेंट। चलो ये तो बहुत अच्छा किया जो तुम पहुँच गए, मुझे बता दिया होता मैं भी आ जाती। नहीं अभी तो खैर मैं खुद भी नहीं मिल सका उसे, जनाजे पे इतना रश था। वैसे भी कहाँ कंडीशन होगी किसी को मिलने की। अरिशा को पता है सब? मैं मिला था उससे जनाजे पे, हम दोनों साथ ही घर के लिए निकल रहे थे तो वहीं पे देखा उसे। ठीक है, मैं अफसोस करने के लिए जाऊंगी, जवान मौत है। और सरिश तो हमारे यहाँ भी आई थी ना, अब अरिशा की दोस्त है, मैं अरिशा को ले जाऊंगी अपने साथ। जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन एक दो दिन के बाद ही जाना, वैसे भी अभी इनको होश ही खाऊंगा। ठीक कह रहे। ठीक है।